ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आपसे रुष्ट थे शहंशाह, क्योंकि आपने हमारे चरित्र पर उंगली उठाई थी और हमारा क्रोधित होना स्वाभाविक था। आपके साथ जाने का अर्थ था अपने गौरव को कम करके आंकना, परंतु विचित्र मनोस्थिति थी हमारी। न हम आपके साथ जाना चाहते थे, न ही अकेले में प्रसन्न थे। ऐसा लग रहा था मानो हमसे हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु छिन गई हो। हमारी भी तो जैसे जान ही अमेर छूट गई थी। सिर्फ जिस्म मागरा की ओर पड़ रहा था, मगर रूह आपके पास रह गई थी। कितनी कोशिशें की हमने, अपना गुरूर अपनी खुददारी सब चुका दिया, मगर आप झुकने को तैयार ही नहीं थी। एक शहंशाह अपना ताज और तख्त छोड़कर अपनी सल्तनत से दूर खाक छानता रहा, सिर्फ अपनी बेगम से माफी मांगने के लिए। हम भले ही आपके साथ नहीं गए थे शहंशाह, परंतु आपके जाते ही ऐसा लगा जैसे कि हमारा हृदय बैठने लगा। हर क्षण केवल आपकी स्मृतियां आंखों के समक्ष घूम रही थी और हमारे पास केवल अश्रु थे बहाने के लिए। लेकिन इन आंसुओं को कोई फायदा नहीं था। आपने एक नहीं सुनी हमारी। हमें लगा जैसे हमने वाकई आपको खो दिया है। जिस नफरत को मोहब्बत में बदलने में महीने लगे, एक पल में ही वो फिर से नफरत में बदल गए। हमारी मोहब्बत आपके गुरूर से हार गई जोधा बेगम। अब हमारे पास तख्त था, ताज था, नहीं था तो वो हम सफर जो खुदा ने बड़ी देर बाद हमें बख्शा था। उस रात हमने खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया। हम एक ऐसे मुसाफिर थे जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। हम माकरा लौट रहे थे बस अपनी आवाम के लिए, खुद से जुड़े फर्ज के लिए। लेकिन एक शौहर आमेर में ही कहीं खो गया था। मां मंगा वहां बियाबान में क्या कर रही थी? ये बात दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही। इतने दिनों में कितना कुछ हुआ है। जलाल पर एक के बाद एक हमले, और अब जलाल की गैर मौजूदगी में माहम का इस तरह छिपकर कहीं जाना। क्या वो भी जलाल के खिलाफ कुछ कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो जलाल को अदम से भी ज्यादा मोहब्बत करती हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। जलाल को अदम से भी ज्यादा मोहब्बत करती हैं वो। आदाब अम्मी जान, आपने हमें याद फरमाया। एक बेहद अहम मुद्दे पर आपकी मसलत की सख्त जरूरत है हमें। तशरीफ रखिए। क्या बात है अम्मी जान, आप हमें कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ सलीमा बेगम, समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे कहें, और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। एक के बाद एक इतना कुछ हो रहा है महल में कि किसी पर यकीन करने का दिल नहीं करता। हमें बताइए अम्मी जान, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। उस दिन जब हमने मजार पर अकेले रुकने की दरख्वास्त की थी, कुछ अजीब सा देखा हमने। बस तभी से परेशान हैं हम। जिस तरह माहम छुपते छुपाते जंगल में जा रही थी, हमें कुछ ठीक नहीं लगा। हो सकता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हों, मगर दिल में एक शक सा बैठ ही गया है। जब अपनों पर शक हो अम्मी जान, तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आमने सामने बैठकर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक शुभा अगर दुरुस्त नहीं की गई तो इससे कई बार रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि माहम को बुरा लगे। जलाल की बहुत फिक्र करती हैं वो। हमें नहीं लगता अम्मी जान कि उन्हें बुरा लगेगा। अगर उनके दिल में कुछ नहीं है, उनका मन साफ है, तो वो आपकी बात को समझेंगी और आपके शक को दूर करेंगी। कमाल का मशवरा दिया है आपने हमें। हमें खुशी है अम्मी जान कि हम आपके किसी काम तो आए।
हम अभी बांदी को कहकर मामंगा को पैगाम भिजवाते हैं और इंशाल्लाह सब दुरुस्त होगा। इतने साल वफादारी की है हमने मुगल सल्तनत की, उसके बाद भी मलिका आजम आप हम पर शक कर रही हैं? मलिका आजम बेशक आपने जलाल को जन्म दिया है, लेकिन जलाल को अपने दूध से पाला है हमने, उसे चलना सिखाया है हमने, अपने खुद के बेटे आदम खान से ज्यादा तवज्जो दी है हमने जलाल को, उसके बाद भी आप हमारी वफादारी पर शक कर रही हैं? बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है माहम, हमें ना तो आपकी वफादारी पर शक है ना ही हम आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम बस जानना चाहते हैं कि मजार के पीछे आप बियाबान में क्या करने गई थी। हमें आपकी फिक्र है, बताइए। आपके हर सवाल का जवाब देना हमारा फर्ज है मलिका आजम। तो फिर बताइए। हम बस आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जो हम कह रहे हैं उस पर आप यकीन रखें। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े मलिका आजम। जलाल की बहुत फिक्र हो रही है हमें, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं दिल में जलाल को लेकर, इसीलिए तन्हाई में इबादत करना चाहते थे। हम अक्सर उस जगह जाया करते हैं जब भी हम परेशान होते हैं, वहां जाकर हमें सुकून मिलता है मलिका आजम, बस खुदा की इबादत करते हैं। हम समझे नहीं, महल में भी तो आपका होजरा है, मजार पर भी दुआ पढ़ी जा सकती है, फिर इस तरह जंगल में जाने की क्या वजह थी? क्या जवाब दें हम इसका? हम आपसे कह चुके हैं कि वहां सुकून मिलता है हमें, लेकिन फिर भी अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप चलिए हमारे साथ, आपका शक दूर हो जाएगा। बेशक, हम वहां जाना चाहेंगे और अभी। क्या वाकई आप उस जगह जाना चाहती हैं? हाँ, सिर्फ हम और आप चलेंगे छिपकर। चलिए। सच कहें तो इस खुलासे के बाद में हमारी तो नींद ही उड़ गई है कि जिन महामंगा को शहंशाह अपनी बड़ी अम्मी जान का दर्जा देते थे वो ऐसी हरकत कर सकती हैं, एक मर्द को ख्वाजा सरा के भेष में महल में ला सकती हैं। हुजूर, हमें आगरा में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? शहंशाह के लौट आने तक तुम दोनों को यहीं रहना होगा। तो क्या हम ये समझें कि खबर देने के एवज में आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं इत्माद खान, ये इंतजामात तो तुम्हारी हिफाजत के लिए है। जरा सोचो, अगर वजीर आलिया का इन सब में वाकई हाथ हुआ और अगर उन्हें खबर लग गई कि तुम और दिलावर खान यहाँ हमसे आकर मिले हो, तो तुम दोनों को खतरा हो सकता है। हम तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ सिपाही यहाँ तैनात करवा देते हैं। ख्याल रहे, एतमाद खान और दिलावर खान की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। अगर उनकी खबर में जरा भी सच्चाई है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। वजीर आलिया को इस बारे में जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए। अगर महामंगा जानती थी कि ख्वाजा सेरा के भेष में सुजामल है, फिर उन्होंने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब आगे से बाएं मुड़ के हम जंगल की तरफ जाएंगे, है ना? जी हाँ मलिका आजम, मजा फरमाती हैं। वैसे एक बात कहनी पड़े, कमाल की याददाश्त है आपकी। आइए, इस जगह के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, जान जाएंगे तो सारे यही आएंगे सुकून पाने के लिए, और फिर इस जगह का कोई फायदा भी नहीं होगा। वैसे यहाँ से आगे घना जंगल शुरू हो जाता है मलिका आजम, आप थकी तो नहीं है? नहीं, और हमें कोई खौफ भी नहीं, आप है ना हमारे साथ। आई मलिका आजम, जरा हमारे साथ ही रहिए, ये जंगल बड़ा खतरनाक है। आइए। माहम कहाँ चली गई?
माहम, 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 कहाँ खो गए थे आप मलिक आयाज? हमने कहा था ना आपसे, ये जंगल खतरनाक है, आप हमारे साथ ही रहिए, तो चले। मलिक आयाज, माफ कीजिएगा, इस तरफ। हाँ, यही वो जगह है जहां से आप गायब हुई थी। हम अंदर जाना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे कैसी है आपकी इबादतगाह। चलिए। जैसी आपकी मर्जी मलिक आयाज। कैसी जगह है भला? हम नहीं जानते, कुछ साल पहले ही हमें इस जगह के बारे में पता चला। उसके बाद से जब भी हम परेशान होते हैं, उलझन में होते हैं, तो यहीं आते हैं इबादत करने के लिए, सुकून मिलता है। आइए, संभाल के ये देखिए। ये देख लिया मैंने कहा, अब तो आपको हम पर कोई शक नहीं है ना? शक नहीं, सवाल है। आप तो कहीं भी इबादत कर सकती हैं, फिर यहाँ क्यों? माफ कीजिएगा मलिक आजम, हर एक का अपना एक इबादत करने का तरीका होता है, हर एक को अलग अलग जगह सुकून मिलता है, हमें यहाँ सुकून मिलता है। मलिक आजम, अब चलें। अचानक से बीगुल की आवाज क्यों आ रही है? क्या फौज कहीं कूच कर रही है? मलिकाए बेगम का इकबाल बुलंद हो, शहंशाह आगरा में तशरीफ ला चुके हैं हुजूर। शहंशाह अकेले आए हैं या फिर जोधा बेगम के साथ आए हैं? नहीं, वो अकेले तशरीफ लाए हैं हुजूर। ठीक है, तुम जाओ यहां से। क्या शहंशाह के साथ जोधा बेगम नहीं आई? नहीं मरियम, मकानी शहंशाह अकेले लौटे हैं। हौसला रखिए भाभी जान, हमें उम्मीद है कि जलाल ने जोधा बेगम को जरूर ढूंढ लिया होगा। एक बार वो महल में वापस आ जाएं, फिर आप तसल्ली से उनसे सब पूछ लीजिएगा। चलिए शहंशाह के इस्तकबाल के लिए चलें। शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। कितने दिनों के बाद लौटे हैं आप जलाल, मुंह मिटा कीजिए।
खुदा का शुक्र है अब सही सलामत लौटे। शहंशाह, बेगम जोधा नहीं दिख रही, क्या उनका काफिला पीछे रह गया? उनका भी मुंह मीठा कराना है। वो वापस नहीं लौटी हैं बड़ी अम्मी। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? उन्हें ढूंढ पाए या नहीं? बहुत लंबी कहानी है, हम आपको बाद में सुनाएंगे। खुदा के लिए जलाल, ये कह दीजिए कि बेगम जोधा जल्दी वापस लौट कर आएंगी। इस महल का नूर जल्दी वापस लौट कर आएगा, हम आपका उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकते जलाल, इसीलिए कह रहे हैं। जोधा बेगम के लिए इतनी हमदर्दी आज तक नहीं दिखाई माँ मंगा ने। मसला क्या है? लगता है हमारा शक ठीक है। ज्यादा मिठास अक्सर कड़वे जहर को दबाने के लिए की जाती है। जलाल, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप लौट आए। हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। हमें आपकी बहुत याद आई और आपने हमें एक पैगाम तक नहीं भिजवाया। खैर, ये सब छोड़िए, आप वापस लौट कर आ गए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आइए ना जलाल, हमें आपसे ढेर सारी बात करनी है, बहुत कुछ बताना है, आइए। रुकिए बेगम, इस वक्त हम बहुत थके हुए हैं, हम आपसे बाद में रूबरू होंगे। मम्मी जान कहाँ है? वो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है शहंशाह। जान, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी बेटी को वापस लेकर ही लौटेंगे। और फिर तुम्हारा चेहरा अकेला क्यों दिख रहा है हमें जलाल? जोधा क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? जवाब दो हमें जलाल। हर बात का एक ही उत्तर, नहीं चाहिए मन नहीं है। 5 दिन हो गए जोधा, तुम अपने कक्ष में एक निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी हो। अन्न का एक दाना नहीं खाया तुमने। क्या क्या चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? हमें बताओ जोधा। तुम शहंशाह के पास वापस जाना चाहती हो आगरा? बताओ हमें जोधा, क्या चाहती हो तुम? हट की भी कोई सीमा होती है। किसी का हट इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसका अस्तित्व उसके सामने छोटा लगने लगे। हमने सोचा था कि तुम्हें ठेस पहुंची है, कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी, पर नहीं, तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। मुगल सल्तनत के शहंशाह आए थे यहाँ तुम्हें ले जाने। कितनी बार उन्होंने तुमसे क्षमा मांगी, इतना बड़ा कोई अपराध नहीं हुआ उनसे जिसके लिए उन्हें क्षमा भी न किया जाए। गुनाह किया है तुमने जलाल, और गुनाह इतना बड़ा है कि उसके लिए हर सजा छोटी है। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए जोधा ने? तुम्हारे लिए जहर पी गई हमारी बेटी, एक पल नहीं लगाया उसने अपनी जान की बाजी तुम्हारे लिए लगाने में, और तुमने एक पल नहीं लगाया उस पर शक करने में, उस पर इल्जाम लगाने में। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। बहुत फक्र से गए थे ना तुम कि जोधा को वापस लेकर आओगे। अजीम और शान बादशाह को देखिए, हमारे सामने कहने चले आए कि अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सके, जोधा को वापस नहीं ला सके। जवाब दीजिए जलाल, कहाँ है हमारी बेटी? अम्मी जान, हमने बहुत कोशिश की जोधा बेगम को ढूंढने के लिए, उन्हें ढूंढ भी लिया, लेकिन उन्हें अपने साथ ला ना सके। हम मानते हैं कि हम हार गए, हम अपनी शिकस्त को भूल करते हैं अम्मी जान, क्योंकि जोधा बेगम के गुस्से के आगे हमारी कोशिशें नाकाम रही, और हम शर्मिंदा हैं ये कहते हुए कि हम अपना दिया हुआ वादा पूरा ना कर सके। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर दीजिएगा। जब तुमने अपना मन बना ही लिया है कि तुम्हें वापस नहीं लौटना, तो फिर क्यों स्मरण करती हो उनका? जो था शहंशाह अपना राजपाट छोड़ के तुम्हें ढूंढते हुए कितना भटके हैं, कितने घाव लगे हैं उनको, कितना रक्त बहा है उनका,
पर तुम्हारा हृदय नहीं पसीचा। कोई और बेगम होती तो शहंशाह मुड़कर भी नहीं देखते। हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई राजवंशी पति घर छोड़ी हुई पत्नी को लेने अपने ससुराल तक चले आए, उसे मनाए। ये राजवंशियों की परंपरा के विरुद्ध है। और जवैसा शहंशाह होते हुए तुम्हारे पीछे यहां तक चले आए जो था, इसे अपना भाग्य समझो। जोधा बेटा, माना शहंशाह से भूल हुई है, पर कोई अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहे तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। जब शहंशाह यहां नहीं आए थे तो तुम उनका स्मरण करती रही, और जब यहां आए तो तुमने मुंह फेर लिया। ये कैसा व्यवहार हुआ बेटा? जोधा बेटा, आमेर तुम्हारा घर है, इसलिए हम तुम पर अपना निर्णय नहीं थोपेंगे, ना ही तुम्हें वापस आगरा जाने के लिए कहेंगे। पर हाँ, मां होने के नाते एक सीख अवश्य देना चाहती हूं। अपने दंभ की दीवार को इतनी ऊंची भी मत उठाओ बेटा कि तुम्हारे मन की पुकार भी उसे पार न कर पाए। आगे निर्णय तुम्हारा है।